एवरीवन, आज के इस वीडियो में लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ पिकार्ड थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं पिकार्ड थ्योरम में क्या बोला गया था, इसके स्टेटमेंट को, एंड देन फिर हम लोग अप्लाई करेंगे कि प्रॉब्लम उस पर बेस्ड कैसे रह सकता है। सो पिकार्ड थ्योरम क्या बोल रहा है कि फंक्शन कोई भी हमारे पास एक IVP है, IVP जो कि इस फॉर्म में होगा dy/dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ सम xy वेयर y एट x0 इज इक्वल्स टू वाई नॉट की वैल्यू। बोला था ये जो IVP है वो यूनिक सॉल्यूशन देगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन देगा किसी एक डोमेन डी में, जहाँ पे ये जो फंक्शन है वो क्या क्या हो, कंटिन्यूस हो, उसके साथ लिप्सिज हो, और साथ में फंक्शन क्या हो, बाउंडेड हो। तो क्या क्या कंडीशन था, पहला था कि fxy इज कंटिन्यूस, दूसरा था कि fxy इज लिप्सिज, कि ये जो फंक्शन है वो लिप्सिज हो, और थर्ड था कि जो मॉड fxy है दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू सम नंबर m, ठीक है, सम नंबर m। तो ये कंडीशन ऑफ बाउंडनेस था। तीन कंडीशन अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो IVP है वो यूनिक सॉल्यूशन देगा। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो सकता है वो कैसे पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि ये जो कोई IVP है इसका जो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा उसका जो इंटरवल है, एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरवल फॉर द यूनिक सॉल्यूशन वो क्या होगा। तो हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग जो डिफाइन किए थे कि रीजन एक हम लोग रेक्टेंगल डिफाइन किए थे यहाँ पे, कि रेक्टेंगल क्या था, एक्स वाई सच दैट मॉड एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन इक्वल्स टू एच एंड मॉड वाई माइनस वाई नॉट लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल के, ठीक है। और हम लोग ये बोले थे कि ये सारा जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है वो उस, ये जो एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन एच के लिए हम लोग सारा वैल्यू काम कर रहे थे। तो मेरे से ये इंटरवल पूछ रहा है कि यहाँ पे जो एच का वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये पूछ देगा, इंटरवल पूछने बोल रहा है, मीन्स एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा वो मेरे से पूछने जा रहा है। और हम लोग ये डिफाइन किए थे कि ये जो फंक्शन है वो बाउंडेड तब होता है फॉर विच जब मॉड माइनस वाई नॉट, ये जो है दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू के, और के को हम लोग क्या लिख सकते थे, हम लोग ये भी स्टेटमेंट देखे थे, इसे लिख सकते थे mh, h क्या है, ये जो x का डोमेन है उसका वैल्यू। तो अगर मेरे से ये h पूछा जाए कि इंटरवल क्या होगा, h पूछा जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो कंडीशन ऑफ बाउंडनेस है इसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बस हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है कंडीशन ऑफ बाउंडनेस से ही बन जाएगा, हमें लिप्सिज और कंटिन्यूटी यूज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल से हम लोग पहले समझते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। सो जो प्रॉब्लम है उसमें क्या बोला जा रहा है कि मुझे लार्जेस्ट इंटरवल फाइंड आउट करना है फॉर द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ दिस IVP बाय पिकार्ड्स मेथड। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि फंक्शन का वैल्यू क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू e^y है, और वाई नॉट का वैल्यू क्या है, दिस इज 0, ओके। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, पिकार्ड में यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन फॉर बाउंडनेस यूज करते हैं, कि बाउंडनेस का जो कंडीशन है उसे यूज करें। तो कंडीशन ऑफ बाउंडनेस क्या बोल रहा था, कि जो भी हमारा जो फंक्शन है fxy, ठीक है, ये बाउंडेड होगा सम वैल्यू से जब मॉड वाई माइनस वाई नॉट लेस देन इक्वल्स टू mh, उसे यूज करेंगे, ठीक है। सो हमारा क्या है कि fxy मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू m फॉर मॉड वाई माइनस वाई नॉट लेस देन इक्वल्स टू mh, ठीक है। फंक्शन क्या है हमारा, e^y, दिस लेस देन इक्वल्स टू m फॉर मॉड वाई, वाई नॉट की जगह 0, लेस देन इक्वल्स टू m, तो हम लोग एज्यूम किया, और h फाइंड आउट करना है हम लोगों को। अब हम लोग ये जो इक्वेशन आ गया दोनों इक्वेशन से, ये वैल्यू होल्ड करेगा जब y का वैल्यू ये होगा। तो हमारा जो मेन एजेंडा है यहाँ पे वो है कि h को फाइंड आउट करना। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसके, इसे y के लिए सॉल्व करेंगे, और ये जो इक्वेशन है उसे भी y के लिए सॉल्व करेंगे, और किसी एक को दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो यहाँ पे अगर हम लोग y के लिए, हम लोग ये जानते हैं कि e^y जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि अगर हम लोग ग्राफ देखें तो वो कुछ ऐसे रन करेगा, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव साइड बिलोंग करता है। तो e^y जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो हम लोग मॉड को ईजिली रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे, और इसे अगर सॉल्व करें दिस इज मॉड वाई लेस देन इक्वल्स टू mh हो गया।
तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ तो ये तो y के लिए सॉल्व हो गया कि मॉड y ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू mh होगा, यहाँ पे लेकिन अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, अभी ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए हम लोग log ऑपरेट कर देते हैं। सो दिस इज log ऑफ m फॉर मॉड y लेस देन इक्वल्स टू mh। ओके, अब ये बोल रहा है कि y का वैल्यू जब भी लेस देन इक्वल्स टू mh होगा, तो y यहाँ पे है वो लेस देन इक्वल्स टू log m होगा। तो अगर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू ले लें मॉड y का, जो कि क्या होगा mh है, सो व्हेन y इज इक्वल्स टू mh तब भी ये होल्ड करेगा, देन y के जगह हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, mh लेस देन इक्वल्स टू log ऑफ m। ओके, मीन्स इसका मैक्सिमम वैल्यू ले लिए, उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए, तो ये इक्वेशन आ गया। मुझे क्या चाहिए, h का वैल्यू क्या है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं h लेस देन इक्वल्स टू log m अपॉन m। तो log जो h का वैल्यू है वो आ गया हमारा log m अपॉन m। बट ये जो टर्म्स आया वो m के टर्म में आया, और m जो है वो हम लोग खुद एज्यूम किए थे, ये m के टर्म में आया, और m एक ऐसा क्वांटिटी है जिसे हम लोग खुद एज्यूम करके चले थे। तो हम लोग ऐसे तो आंसर नहीं दे सकते कि ये log m अपॉन m है, हम लोग क्या करते हैं कि log m अपॉन m का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए लार्जेस्ट इंटरवल, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log m अपॉन m। अब इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिक हायर सेकेंडरी मैथ को यूज करेंगे। इसे कोई भी एक क्वांटिटी लेट से z एज्यूम कर लेते हैं, दिस इज log m अपॉन m, एंड इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, सो dz अपॉन dm निकालते हैं, विच इज इक्वल्स टू बेसिकली 1 माइनस log m अपॉन m स्क्वायर। और इसको जब जीरो कर देते हैं, ये पॉइंट क्या देता है, ये ऐसा पॉइंट देगा मिनिमा और मैक्सिमा का पॉइंट देगा, कि कहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा, कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हम लोग ये देखेंगे कि log m इज इक्वल टू m, विच m का वैल्यू क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल e, m का वैल्यू e आ गया, जिस पे ये एक मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, डी टू जेड अपॉन डी एम स्क्वायर से को फाइंड आउट करके ये देख सकते हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू दे रहा है इस पॉइंट पे, और देन करस्पॉन्ड हम लोग ये बता सकते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू होगा कि मिनिमम वैल्यू होगा। तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, तो ये जो m इज इक्वल्स टू e है वो क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, मीन्स मैक्स ऑफ log m अपॉन m जो होगा वो हो जाएगा log e अपॉन e, और log e का वैल्यू 1 और एक्सपोनेंशियल का वैल्यू 2.715। इसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, तो ये आ गया हमारा h का वैल्यू, मीन्स हेंस लार्जेस्ट इंटरवल जो होगा वो हो जाएगा मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 1 अपॉन 2.715। यहाँ पे x माइनस x नॉट होता है बेसिकली, जो हमारा जो है वो होता है x माइनस x नॉट, पर x नॉट हमारा क्या है, जीरो की बहन है, सो दिस, तो इसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं मॉड x लेस देन इक्वल्स टू दिस, ये हमारा लार्जेस्ट इंटरवल आया। तो ये कैसे लाए हम लोग, ये पिकार्ट्स मेथड का एप्लीकेशन यूज करके लाए। हम लोग बिना पिकार्ट्स मेथड को यूज करे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उससे भी हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस इंटरवल में यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, उसे देखते हैं, ठीक है। इस प्रॉब्लम में क्या कर रहा है, पिकार्ट्स मेथड को हटा दे रहा है। तो हम लोग चाहे तो पिकार्ट से भी बना सकते हैं या फिर नहीं भी बना सकते, तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं, तो उस मेथड से देखते हैं कितना आएगा। तो हम लोग डायरेक्टली इसे सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो इसे लिख सकते हैं, इसे अगर सॉल्व करें तो इसे e टू द पावर माइनस y dy इज इक्वल्स टू dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो दिस इज माइनस e टू द पावर माइनस y इज इक्वल्स टू x प्लस सम कांस्टेंट c। सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे, सिंस y जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, दिस इंप्लाइज c का वैल्यू जो आएगा, जैसे यहाँ पे जीरो पुट किया, दिस इज माइनस वन, तो c का वैल्यू कितना आ गया, माइनस वन, देयरफोर माइनस ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, तो यहाँ से ई टू द पावर माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया, वन माइनस एक्स, सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू लॉग वन माइनस एक्स। सो बेसिकली हमें मुझे वाई का वैल्यू क्या मिल गया, नेगेटिव ऑफ लॉग वन माइनस एक्स, ये आ गया यहाँ पे वाई का वैल्यू।
हम लोग वाई सॉल्व कर चुके हैं। मुझे क्या चाहिए कि एक ऐसा इंटरवल फाइंड आउट करना जहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन देगा, और यूनिक सॉल्यूशन तो ये गारंटी कर रहा है क्योंकि पिकार्ड थ्योरम का जो भी स्टेटमेंट है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हम लोग इस एक्स को फाइंड आउट कर लिए कि ये जो एक्स का जो पॉसिबल वैल्यू हो सकता है जिसके लिए ये एग्जिस्ट कर जाए, तो वही हो जाएगा इसका इंटरवल। तो हम लोग ये देखते हैं कि लॉग जो होता है, लॉग का डोमेन क्या होता है। लॉग का डोमेन होता है ऑलवेज ये जो क्वांटिटी है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होगा। सो यहाँ पे क्या हो सकता है, वन माइनस एक्स जो होगा वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लॉग जीरो पे माइनस इन्फिनिटी वैल्यू दे देगा, मीन्स वो डिफाइन नहीं है सॉर्ट ऑफ। सो वन माइनस एक्स का वैल्यू ऑलवेज क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। दिस इम्प्लाई एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए वो स्ट्रिक्टली लेस देन वन होना चाहिए। इसका मतलब एक्स लाई कर सकता माइनस इन्फिनिटी से वन तक ये लाई कर सकता, ये हो गया इसका इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस, इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। तो ये बोल रहा है कि माइनस इन्फिनिटी तो वन जाना चाहिए, लेकिन हम लोग जो पिकार्ड थ्योरम से निकाले थे अभी वो कुछ अलग था आई गेस। वहाँ पे हम लोग क्या निकाले थे कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1.2.715 समथिंग लाइक दैट। तो ये बोल रहा है कि माइनस 2.715 से लेके 1/2.715 तक जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो इंटरवल है ये स्मॉल इंटरवल आ रहा है, बट यहाँ पे एक हम लोग लार्जर सेट ऑफ इंटरवल मुझे मिलेगा, कि एक लार्ज इंटरवल हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑलवेज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों डिफर कर सकता है, ये नॉर्मल है, ओके। तो जब प्रॉब्लम में हम लोग बेसिकली अगर हम लोग इस एप्लीकेशन ऑफ पिकार्ड से निकालें तो यहाँ पे हम लोग ऑलवेज जाएंगे, ओके। तो ये तो हो गया कि जब हम लोग यहाँ पे जो पिकार्ड मेथड अप्लाई किए थे इसमें हम लोग जो बाउंडनेस का जो कंडीशन था वो m वो खुद से एज्यूम किए थे, बट ऐसा भी प्रॉब्लम मिल सकता है जब हम लोग वो जो m जो क्वांटिटी है वो हम लोग खुद फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, उस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं एक। सो फिर से हम लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं कि लार्जेस्ट इंटरवल फाइंड आउट करना यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए। यहाँ पे IVP क्या है, फंक्शन है वाई स्क्वायर, वाई एट जीरो इज इक्वल्स टू टू, बट यहाँ पे एक रेक्टेंगल r भी डिफाइन कर दिया है जिस पे मुझे ये यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो बेसिक फंडा होना चाहिए वो होना चाहिए कि फंक्शन क्या है हमारा वो देखते हैं। तो सब फंक्शन है हमारा fxy, y स्क्वायर, y नॉट का वैल्यू कितना है गिवन है 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ये जो फंक्शन है वो किससे बाउंडेड होगा वैल्यू। तो हम लोग जब इसे बाउंडेड निकालेंगे तो ये आएगा मॉड वाई लेस देन स्क्वायर। तो हम लोग देखते हैं क्या हम लोग मॉड वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका मैक्सिमम वैल्यू अगर फाइंड आउट हो जाए तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है सब क्वांटिटी से बाउंडेड है। तो उसके लिए क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल आर डिफाइन कर दिया है, लेकिन यहाँ पे आर में जो है वो मॉड वाई का टर्म डायरेक्ट नहीं दिया, तो हम लोग उसे क्या करेंगे अलग से लिखेंगे। सिंस आर जो डिफाइंड है वो है एक्स वाई सच दैट मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू, ये जो मॉड वाई माइनस टू है उसे हम लोग लिखते हैं मॉड वाई माइनस टू लेस देन इक्वल्स टू बी, बेसिकली ये होल्ड करेगा ही क्योंकि ये इसके सारे वैल्यू के लिए होल्ड करेगा, तो मॉड वाई माइनस टू ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू बी ही होगा। तो यहाँ से हम लोग मॉड वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, सो दिस इज बी प्लस टू, ए बी पॉजिटिव, सो मॉड वाई का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन ऑफ बाउंडनेस की तरफ जाएंगे, तो मॉड एफ एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जो कि आएगा मॉड वाई का स्क्वायर, और मॉड वाई क्या ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू बी प्लस टू है, तो ये आ गया बी प्लस टू का स्क्वायर। हम लोग इसे मान लेते हैं कि ये एम है से, कि ये जो वैल्यू है बी प्लस टू का स्क्वायर इसे हम लोग एम कैपिटल एम एज्यूम कर लिए, ओके। तो मेरे पास एम आ चुका है, नाउ मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए, तो ये जो ए है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब ए का जो वैल्यू फाइंड आउट करना है, हम लोग ए के लिए क्या यहाँ पे एक गिवन कंडीशन गिवन है कि ए जो है वो पॉजिटिव होगा ऑलवेज। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर मुझे क्या चाहिए लार्जेस्ट इंटरवल, तो हम लोग मैक्सिमा यूज कर रहे हैं ऑफ ए, मीन्स ए का वैल्यू जो भी पॉसिबल वैल्यू आएगा, और हम लोग यहाँ से देखते हैं कि ये जो कंडीशन जो हम लोग m निकालें क्या इस m से हम लोग निकाल सकते हैं h,
ये जो ए का वैल्यू, तो हम लोग जानते हैं कि अगर इस क्वांटिटी, हम लोग इसे क्या बोलते हैं, ये जो क्वांटिटी है दिस इज के, ठीक है के, और अगर हम लोग के में अगर एम को डिवाइड करें तो ये हमें एच देता है। ये जो क्वांटिटी के है इसमें जो एम जो बाउंडनेस कंडीशन है उसे डिवाइड करें तो एच देता है। तो हम लोग वही चीज़ यूज करने वाले हैं, यहाँ पे के क्या है, बी है, और एम क्या है हमारे पास, बी प्लस टू का स्क्वायर है। तो ए का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो कोई एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा या फिर इस वैल्यू का जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा, मीन्स जो भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही हो जाएगा ए का वैल्यू। अब अगर ये जो वैल्यू है ये हमारा कोई नेगेटिव क्वांटिटी आ गया तो हम लोग बस बोल सकते हैं ए के बारे में कि वो पॉजिटिव होगा, तो उसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ लेट जेड बराबर बी अपॉन बी प्लस टू का स्क्वायर, देन डी जेड अपॉन डी बी फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज बी प्लस टू स्क्वायर वन माइनस दिस इज टू बी एंड देन बी प्लस टू अपॉन बी प्लस टू का फोर। सो सॉर्ट ऑफ जब इसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा बी प्लस टू माइनस टू बी, सो टू माइनस बी अपॉन बी प्लस टू का क्यूब, आई गेस बी प्लस टू माइनस टू बी, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू जीरो, दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल्स टू टू। तो हमारा क्या क्या, बी टू पे जो वैल्यू देगा वो, तो हम लोग डायरेक्ट बी जो टू पे वैल्यू देगा वो यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। सो दिस इज मैक्सिमम ऑफ ए या फिर टू अपॉन फोर स्क्वायर विच इज 16, सो दिस इज मैक्सिमम ऑफ ए एंड वन अपॉन एट। तो इसका मैक्सिमम क्या आ जाएगा, एक बोल रहा है पॉजिटिव एक बोल रहा है वन अपॉन एट, तो जो जो ए का जो वैल्यू आ गया वो आ गया वन अपॉन एट, देयर फोर मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू वन अपॉन एट आ गया हमारा लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल, ठीक है। तो बस हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडीशन ऑफ बाउंडनेस यूज करके ही सॉल्व कर लेना है सारा प्रॉब्लम में, सेम चीज करना है कि कंडीशन ऑफ बाउंडनेस यूज करना है। अगर रेक्टेंगल दिया है तो हम लोग पॉसिबल ये करेंगे कि ये कोशिश करेंगे कि जो एम है वो डायरेक्ट फाइंड आउट कर लें। अगर रेक्टेंगल नहीं दिया मीन्स वाई का वैल्यू हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम लोग एम को एज्यूम कर लेंगे जैसा कि हम लोग एग्जांपल वन में किए थे, ठीक है। बस ये करना है, इससे सारा प्रॉब्लम पिकार्ड्स का सॉल्व हो जाएगा। और हम लोग इसे चाहे तो डायरेक्ट एक्सप्लिसिटली भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे एग्जांपल नंबर वन में किए थे, और हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे कि जो इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस आएगा वो लार्जेस्ट होगा। ओके ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।